नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ पापा और आप देख रहे हैं पापा's किचन रेसिपी। तो आज हम अभी बनाने वाले हैं व्हाइट सॉस। व्हाइट सॉस के लिए फर्स्ट चाहिए व्हाइट फ्लोर, एक ऑनियन, 3-4 पीस क्लोव एंड बेलिक्स, मिल्क एंड बटर, एक पैन और इंडक्शन। तो फ्रेंड, एक गुजारिश है, जो लोग अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट कर दीजिए, क्योंकि अब मैं फूड रिलेटेड वीडियो अपलोड करते रहता हूँ। तो फ्रेंड, चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो फर्स्ट हम ऑनियन के ऊपर क्लोव को काट देंगे। तो फ्रेंड, शुरू करते हैं वीडियो। तो फर्स्ट आप ऑनियन के ऊपर क्लोव्स को एक एक करके ऐसे करके काट दीजिए। काटने के बाद पेलिप्स को भी एक दो काट दीजिए। काटने के बाद पैन पैन के अंदर डालिए। पैन के अंदर डालिए। पैन के अंदर डालने के बाद हम मिल्क को इसमें काट के डालेंगे। पैन के अंदर मिल्क काट के डाल रहे हैं। पूरा मिल्क डाल दिया, एक पैकेट मिल्क हाफ लीटर का। डालने के बाद वो 2-3 तेज पत्ता जो था, पेलिप था, वो हम डाल देंगे। डालने के बाद इसको हीट करेंगे। इसको अब हीट करेंगे। इंडक्शन चालू कर दिया। अभी धीरे धीरे बॉयल होता रहेगा। जब तक इसका ऑनियन, बेलीफ और क्लोव का फ्लेवर आ जाएगा, तब आप रू को तैयार कीजिए। तब तक रू को तैयार कर रहे हैं हम। अब रू को हम तैयार करने जा रहे हैं। तो फ्रेंड, रू बनाने के लिए एक हमको पैन चाहिए। पैन में हम फर्स्ट बटर मत डालिए, बटर डालने से पूरा लाल हो जाएगा। तो हम फर्स्ट ऑयल डालेंगे। ऑयल डाल दिया। ऑयल डालने के बाद हम इसके ऊपर बटर डालेंगे। बटर डाल दिया। तो हम इसके अंदर ऐड करेंगे फ्लोर, व्हाइट फ्लोर पर मैदा। अब हम डालेंगे व्हाइट फ्लोर। तैयार हो रहा है रू। रू का प्रोसेस है इक्वल टू बटर एंड इक्वल टू फ्लोर। तो हम जितना ही बटर डालेंगे उतना ही हमको मैदा डालना पड़ेगा। तो आप घर में भी प्रोसेस कीजिएगा, तो जितना मैदा डालिएगा उतना ही आप बटर डालिएगा। तो ये रू तैयार हो गया। अब इसका कलर भी आ गया। रू ऑलरेडी तैयार हो गया। तो फ्रेंड, मिल्क ऑलरेडी तैयार हो गया। अब इसके अंदर हम रू डालेंगे। तो फ्रेंड, रू के अंदर हम थोड़ा सा पानी डाला, क्योंकि डायरेक्ट रू डालने से ये गाढ़ा एकदम चाप जैसे बैठ जाएगा। तो रू में थोड़ा पानी डालेंगे। तो रू के ऊपर हम थोड़ा पानी डालेंगे। तो रू बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा। तो फ्रेंड, रू को हम धीरे धीरे मिल्क और जो बेलीफ और क्लोव्स जो बॉयल कर रहे थे उसके ऊपर अंदर डालें और इसको धीरे धीरे हम मिलाते रहेंगे। तो फ्रेंड, रू डाल दिया। अब ये धीरे धीरे गाढ़ा होगा और मेरा व्हाइट सॉस रेडी हो जाएगा। ये आप यूज कर सकते हैं पास्ता, कॉन्टिनेंटल मेन कोर्स में। कॉन्टिनेंटल जो मेन कोर्स है उसमें भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे वेज ओग्राटीन, बेक फिश, बेक चिकन, जो भी है, मतलब व्हाइट सॉस वाला पास्ता में आप ऐड कर सकते हैं। तो फ्रेंड, अभी ये व्हाइट सॉस पास्ता गाढ़ापन आ रहा है। अभी ये गाढ़ा हो गया। रूबी ऑलरेडी पूरा रू डाल दिया। अभी धीरे धीरे पकेगा और ऑलरेडी मेरा व्हाइट सॉस रेडी हो जाएगा। तो फ्रेंड, ऑलरेडी व्हाइट सॉस पक गया। और हमेशा आप
इसको फॉलो रखिए कि नीचे ना पकड़ ले, नीचे पकड़ने से स्मोकी फ्लेवर आ जाएगा, व्हाइट सॉस का एकदम खराब कर देगा। तो ये व्हाइट सॉस रेडी हो गया, अब व्हाइट सॉस को स्टेन करेंगे। तो व्हाइट सॉस को स्टेन करेंगे, मेरा स्टेनर बोल रेडी है, हो गया। तो हो गया, इसको व्हाइट सॉस को हम स्टेन करेंगे क्योंकि बेलिप्स वगैरह व्हाइट सॉस के अंदर ना जाए। तो व्हाइट सॉस ऑलरेडी हो गया, तो फ्रेंड्स व्हाइट सॉस रेडी हो गया। अब इसको आप पास्ता में यूज़ कर सकते हैं, कॉन्टिनेंटल मेन कोर्स में यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और जो लोग अभी तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए, क्योंकि मैं फूड रिलेटेड वीडियो अपलोड करता रहता हूँ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।